अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। नमस्कार, आपका स्वागत है एसएम न्यूज से। मेरा नाम है जोसा कुमार और हमारे साथ है प्रोफेसर जतिन कुमार इग्नो से। भारत में इन दिनों लोकसभा चुनाव चल रहे हैं एक नई सरकार के गठन के लिए, तो हम जानना चाहेंगे प्रोफेसर साहब से कि अगर बीजेपी की सरकार अब दोबारा आती है तो किन जातियों को फ़ायदा होगा और किन जातियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, विशेष रूप से इस देश के भविष्य के लिए, इस देश के आने वाले समाज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जैसा कि हम जानते हैं, पिछले 5 वर्षों से इस देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में इस देश में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ चला, क्या कुछ परिवर्तन हुआ, वो पूरी दुनिया ही नहीं पूरा देश अच्छी तरीके से जानता है। और इस देश का जन जन काफ़ी बड़ी संख्या में जागृत हो चुका है। दरअसल इस देश में जो लोकसभा चुनाव इन दिनों चल रहा है उसमें हम कुछ पृष्ठभूमि के रूप में देखें तो पिछले 5 वर्षों में इस देश में हम इस देश के जो मूल निवासी हैं, जो बहुजन हैं, उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सख्त रुख अख्तियार किया। और यही नहीं, संवैधानिक जो अधिकार मिले थे उस पर कुठाराघात होना शुरू हो गया। इस देश में एक हम जानते हैं कि अंग्रेजों के जाने के बाद, देश की आज़ादी के बाद, संविधान के लागू होने के बाद एक नए दौर में भारत के प्रवेश करने की कल्पना की गई थी, एक नए दौर में भारत को ले जाने की बात कही गई थी, नया दौर फिल्म बना और लिखेंगे नई कहानी इस देश में गाया गया। लेकिन हुआ क्या? दरअसल इसके पीछे हम थोड़ी पृष्ठभूमि की जानेंगे तभी हम इन बातों को समझ पाएंगे और जो भयानक स्थिति आगे हो सकती है उस पर भी हम पूरे भारतीयों का ध्यान जा सकता है। दरअसल संविधान लागू होने के बाद इस देश में सत्ता जो थी वो मुख्य रूप से इस देश की मुख्य पार्टी उस समय की थी जो कांग्रेस के हाथ में रही, और कांग्रेस में भी जो इस देश के उच्च वर्ग कहने वाले लोग थे उनके हाथों में ही सत्ता रही। और मैं विशेष रूप से खुलकर अगर बोलना चाहूँगा तो इस देश की जो जाति व्यवस्था है जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, जिसमें ब्राह्मण की श्रेष्ठता को स्थापित किया गया था और वही ब्राह्मण समाज, वही ब्राह्मण वर्ग, वही ब्राह्मण लोग इस देश के मुख्य पदों पर आसीन रहे। यही नहीं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पद पर जो भी रहे वो सारे के सारे इसी वर्ग से रहे। बीच बीच में जब कुछ आंदोलन चला तो दूसरे वर्ग के लोग आए, लेकिन इस देश की जो सत्ता थी, इस देश को जो चलाने की जो पूरी व्यवस्था थी, इस देश के जो पूरे मुल्क को जो जिस रूप में चलाया जाया था और जो की पोस्ट थे जिन्हें मैं बताऊं, जो मुख्य पद थे किसी क्षेत्र में, अब आज हम पूरा देश, पूरा बहुजन समाज इस बात को जानता है कि जो मुख्य पद थे, अगर हम कुलपति के रूप में देखें, विश्वविद्यालय के कुलपतियों को देखें, तो ये सारे कुलपति उच्च वर्ग के ब्राह्मण वर्ग से ही विशेष रूप से आते रहे। इसी तरह से जीवन के अन्य क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र रहा हो, देश की सरकार हो, दिल्ली में बैठी सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मुख्य सचिव हो या जितने मंत्रीगण हो, जिनसे समाज को एक नई राह दिखता, एक नया राह मिलता, समाज के उत्थान के लिए बात कही जाती, वो नहीं हो सका। इसके पीछे मानसिकता थी, ब्राह्मणवादी मानसिकता थी और वो ब्राह्मणवादी मानसिकता सबको लेकर चलने की नहीं थी। और वो ब्राह्मणवादी मानसिकता में
समाज के केवल उच्च वर्ग को ही प्राथमिकता दी गई। समाज का जो मूल निवासी था, बहुजन वर्ग था, इस देश के मूल निवासी थे, मेहनत का इंसान थे, मजदूर थे, जिन्होंने इस देश के निर्माण में अपना पूरा जीवन लगा दिया। और मैं ये स्पष्ट रूप से अगर कहूँ तो जब जब हम निगाह दौड़ाते हैं तो इस देश के जो महानगर हैं, दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है और छोटे छोटे महानगर हैं, इसके निर्माण में किन लोगों ने योगदान दिया? इस देश के किसान, इस देश के मजदूर, इस देश की मिल में काम करने वाले लोग और देश में तमाम ऐसी जगह पर जहां मेहनत कश इंसान थे, उन्होंने इस देश को निर्माण में अपना पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन उन्हें मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित रहना पड़ा। और यही कारण था कि इस देश में गरीबी बढ़ती गई, बेकारी बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई। और चूंकि सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में थी जिनका जिनकी मानसिकता ऐसी नहीं थी जिससे समाज सर्वांगीण विकास हो सके, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात को आगे ले जा सके, और इसी कारण ऐसा हुआ कि समाज का बहुत बड़ा तबका आज भी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रह गया। आज हम देखते हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मजदूर आत्महत्या करते हैं, युवा वर्ग में बेरोजगारी बढ़ गई है। ये सारी की सारी इस कारण से ये सारा सब कुछ हमारे सामने आया कि जो सत्ता में काबिज लोग थे और सत्ता में बैठे लोग थे, उन्होंने समाज के सभी लोगों के लिए बिल्कुल नहीं सोचा। जो योजनाएं थीं वो कागजों तक सीमित रहीं, जो योजनाएं थीं वो सब तक नहीं पहुंच पाईं, और इसलिए भ्रष्टाचार का एक विकराल रूप हमारे सामने आता है। और इस विकराल रूप में हमें देखते थे कि पूंजीपति वर्ग के लोग, व्यापारी वर्ग अमीर से अमीर होते गए, कुछ वर्ग अमीर से अमीर होते गए और बाकी जनता निर्धन से निर्धन होती गई। मूलभूत रोटी कपड़ा मकान के लिए भी आज लाखों करोड़ों लोग तरस रहे हैं। और यही नहीं, अब तो स्थिति ये पिछले 5 वर्षों में ये रूप में हम सामने देखते हैं कि जो अब तक कुछ हद तक संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो संविधान को लागू करने की कोशिश की गई थी, जो प्रयत्न किया था, जो योजनाएं चलाई गई थी, उससे कुछ हद तक धीरे धीरे एक विकास की गति को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा था, लेकिन पिछले 5 वर्षों में वह बिल्कुल धराशायी हो गया है। और यही नहीं, जाति के कारण, जाति को पूछकर, विशेषकर जाति का नाम लेकर लोगों को प्रताड़ित किया जाता रहा है। और ये पिछले 5 वर्षों में हमने देखा कि देश के कोने कोने में दलितों को मारना काटना तो थोड़ा जिंदा जलाया जा रहा है। इस देश में, देश के कोने कोने में बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। देश का हर, देश की महिलाएं, देश का आधा हिस्सा महिलाएं आज सोच में हैं कि आगे क्या होने वाला है। यानी कुल मिलाकर जो संवैधानिक व्यवस्था की तक हम देश को एक स्थिर तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से चला सकते थे, उसे बिल्कुल नकार दिया गया। संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो एक सिस्टम को, एक सिस्टम के तहत हम, एक व्यवस्था के तहत हम समाज को आगे ले जा सकते थे, देश को आगे ले जा सकते थे, उसे बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। जो अक्षम लोग हैं, जो मेरिट से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, उनको बड़े बड़े पदों पर बिठाया जा रहा है, उनको बिना किसी योग्यता के बड़े बड़े पदों पर दिया जा रहा है। अगर मैं उदाहरण के तौर पर ये बात कहूँ कि अगर एक मुख्यमंत्री है तो उसे इस देश की राजनीति, इस देश की नक्शे को जानना चाहिए, इस देश के समाज को जानना चाहिए, इस देश में जो समस्याएं हों उसको गहराई से जानने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसे ऐसे मंत्री बन जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें इस देश की चौहद्दी का पता नहीं होता है, हमारे देश कितना बड़ा होता है पता नहीं है, हमारे देश के उत्तर में कौन लोग रहते हैं, पूरब में कौन रहते हैं, हमारे देश की राजधानी में कितने लोग पलायन करके आए हुए हैं, इसकी जानकारी नहीं रहते हैं, तो वो क्या योजना को लागू करेंगे और क्या योजनाओं को अच्छी तरह से जनता के लिए लाभकारी बना सकेंगे। और इसी रूप में हम ये देखते हैं कि इस देश में अगर ये जो पिछले 5 वर्षों से काबिज भारतीय जनता पार्टी सरकार है, जो मुख्य रूप से जाति और धर्म को आधार मानकर चल रही है, और आश्चर्य की बात है, दुनिया के सामने हम बदनाम हो रहे हैं कि जहाँ देश के विकास के लिए, जन जन के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं होनी चाहिए थी, शिक्षा के क्षेत्र में, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए,
और वंचित लोगों के लिए, चाहे वो समाज के किसी वर्ग के हों, उनके लिए योजनाएं बनानी चाहिए थी, वो ना होकर धर्म और जाति को लेकर बात की जा रही है। आज मैं अगर ये कहना चाहूँ तो इस देश का मीडिया, जो मुख्य मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, वो पूरी तरह से एक तरह का भयंकर या भयानक रूप प्रस्तुत कर रहा है। वहाँ ना तो कोई ऐसी चर्चा होती है जिसे लोग सुनकर समझकर ये कह सके कि हाँ हम किसको वोट दें। उस पर ऐसे ऐसे विषयों को रखा जाता है जिसका समाज से सीधा कोई संबंध नहीं होता है। और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस देश के कोने कोने में लोगों ने टीवी बंद कर दिया है, चैनल बंद कर दिए हैं, जिसमें मैं तो सीधे तौर पर कहना चाहूँगा, खुलकर कहना चाहूँगा कि वहाँ बुद्धिजीवी नहीं, आजकल ऐसे ऐसे लोग बिठाए जा रहे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता होता है कि देश की समस्याएं क्या है, देश की योजनाओं को कैसे लागू किया जाएगा, देश में कौन कौन से तरीके हैं। और मैं यहाँ पर यह जरूर जोड़ना चाहूँगा कि हमारे देश में रॉ मटेरियल की, आई मैं कहूँ कि किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमारा देश हर तरीके से सक्षम है। हमारे देश में रिसोर्सेज जो हैं उसकी कमी है ही नहीं, रिसोर्स केवल योजनाएं की कमी है, उस पर उसे लागू करने की कमी है, तहे दिल से लागू करने की कमी है, उसे एक रोड मैप बनाने की कमी है, रोड मैप जिसके तहत सरकार एक योजनाएं पूरी बनाती है, पंचवर्षीय योजनाएं जिसे हम सुनते रहे हैं, जिसके तहत हम कहते हैं कि हम इन इन क्षेत्रों में विकास करेंगे। आज आप देखें शिक्षा का बजट कम कर दिया गया, किसानों के लिए कोई किसी तरह की योजनाएं नहीं हैं, लगातार हम देख रहे हैं किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसी देश की राजधानी में किसानों का आंदोलन हुआ, सरकार ने कुछ नहीं सुना। और इस रूप में हम देखते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को दोबारा अगर सत्ता मिली तो यह निश्चित रूप से यह देश अराजकता की ओर जाएगा, यह देश बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे लोग, उसमें से कुछ अच्छे लोग जरूर हैं, उनकी ना सुनी जाती है ना समझी जाती है, और उनमें जो लोग काम करना चाहते हैं उनको करने नहीं दिया जाता है। और मुझे लगता है कि ये सरकार, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सत्ता अगर दोबारा मिली तो वो किसी तरह का नाकाम कर पाएगी, वो इसी तरह की एक तरह का अराजकता फैलेगी, समाज में विघटन बहुत तेज़ी से होगा। और हमने देखा पिछले 5 वर्षों में समाज जितना विघटित हुआ है उतना शायद आज़ादी के बाद कभी विघटित नहीं हुआ था। और इसी रूप में हम ये देखते हैं कि बहुजन आंदोलन खड़ा होता है, और ये बहुजन आंदोलन वे लोग हैं जिन्हें इस देश में सभी प्रकार के अधिकार से वंचित किया गया, जो अधिकार मिले थे उसको भी ख़त्म किया जा रहा है, उसको भी वंचित किया जा रहा है, उन सारी योजनाओं को ठप किया जा रहा है, जिसमें हम 200 पॉइंट रोस्टर को देखें या इसी तरह की जितनी योजनाएँ थीं, जितने भी तरह की हमारी योजनाएं थी उसे लगभग ठप कर दिया गया है। और इसीलिए एक बहुत बड़ा आक्रोश समाज के अंदर, इस देश के बहुजनों के अंदर बहुत तेज़ी से उबल रहा है, और निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़े क्रांति के रूप में रूप लेगा। और अगर खुदा न खास्ते इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आ गई तो यह निश्चित रूप से यह देश के लिए बहुत ही खतरनाक, भयानक और दुखदायी साबित होगा। धन्यवाद प्रोफेसर साहब, ने हमें बहुत ही सरल तरीके से समझाया कि अगर बीजेपी सरकार अगर दोबारा सत्ता में आती है तो हमारे देश का भविष्य किस तरफ जा सकता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।